नमस्कार, खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं ललित जांगिड। सबसे पहले आज की सुर्खियां। भवानी मंडी में हर्षोल्लास से मनाया गणतंत्र दिवस, मुख्य समारोह में एसडीएम ने किया ध्वजारोहण। बकानी में धूमधाम से मनाया गणतंत्र दिवस, पंचायत समिति परिसर में प्रधान एवं विकास अधिकारी ने किया ध्वजारोहण। बकानी में एक शाम राष्ट्र के नाम कार्यक्रम का हुआ आयोजन, स्कूल के बच्चों ने दी मनमोहक प्रस्तुति। पिड़ावा में गणतंत्र दिवस पर पत्रकारों समेत छात्र छात्राओं का हुआ सम्मान, उपखंड स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने पर तहसीलदार ने कार्यक्रम में किया सम्मानित। डग में भाजपा मंडल के पदाधिकारियों ने निकाली तिरंगा यात्रा। डग पंचायत समिति में हुआ गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन, स्कूली बच्चों ने दी सांस्कृतिक प्रस्तुति। और अब खबरें विस्तार से। भवानी मंडी के मेला मैदान परिसर में भी गणतंत्र दिवस का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें उपखंड अधिकारी राकेश मीणा ने ध्वजारोहण किया। वहीं निजी व सरकारी विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने ध्वजारोहण के बाद शारीरिक व्यायाम का प्रदर्शन किया, साथ ही सराहनीय कार्यों के लिए भी चयनित समाज सेवी समेत स्कूली विद्यार्थियों को पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। गणतंत्र दिवस के समारोह में पचपहाड़ तहसीलदार मदन मोहन गुप्ता, पालिका अध्यक्ष पिंकी गुर्जर, पूर्व पालिका अध्यक्ष रामलाल गुर्जर समेत शहरवासी मौजूद थे। समारोह का मुख्य आकर्षण का केंद्र आधा दर्जन झांकियां थी। समारोह में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में गर्ल्स स्कूल की छात्राओं ने भी मनमोहक नृत्य की प्रस्तुतियां दी। रेत पर छोड़ते चलो निशान, देखते तुम्हें जमीन, देखता है आसमान, लिखते चलो। पिड़ावा में गणतंत्र दिवस पर उपखंड स्तरीय सम्मान समारोह का आयोजन राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में किया गया। सर्वप्रथम प्रातःकाल निजी व सरकारी विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा कस्बे के मुख्य मार्गों से रैली निकाली गई, जिसमें सभी छात्र छात्राएं कई तरह के नारे लगाते हुए चल रहे थे। रैली मुख्य समारोह स्थल पहुंची, जिसके बाद समारोह के मुख्य अतिथि तहसीलदार राजेंद्र प्रसाद शर्मा व अध्यक्षता कर रहे पालिका अध्यक्ष निर्मल शर्मा ने ध्वजारोहण किया। उसके बाद तहसीलदार राजेंद्र प्रसाद शर्मा, पालिका अध्यक्ष निर्मल शर्मा व सीआई राम भरोसी मीणा ने उपखंड क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली कई प्रतिभाओं को सम्मानित किया, जिसमें पिड़ावा के पत्रकार रईस खान, ब्लॉक पत्रकार संघ अध्यक्ष विनोद संचोरा, सौरभ जैन, खालिद रजा एवं सुनील की पत्रकार मेघा जैन व धनराज भंडारी आदि शामिल थे। जिसके बाद निजी व सरकारी विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक व शिक्षा प्रद कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई। इस दौरान पालिका अध्यक्ष निर्मल शर्मा, बीजेपी मंडल अध्यक्ष कमल कासलीवाल, पालिका उपाध्यक्ष प्रमोद जैन, भाजपा जिला मंत्री राजेंद्र जैन, ग्रामीण मंडल अध्यक्ष रमेश दांगी, पूर्व मंडल अध्यक्ष भारत भूषण प्रेमी राजेंद्र सिंह बना, ईओ शंभुलाल मीणा, जेईएन धर्मराज गुर्जर, राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य मणिधर शर्मा सहित कई लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन व्याख्याता पुरुषोत्तम मोदी ने किया। डग में भी पंचायत समिति स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में विकास अधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर स्कूली छात्र छात्राओं ने देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दी।
मंच पर विकास अधिकारी सविता राठौड़, नायब तहसीलदार शकूर मोहम्मद, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ओम प्रकाश, थाना अधिकारी लव कुमार, भाजपा जिला महामंत्री दिनेश अग्रवाल, मंडल अध्यक्ष गोविंद सिंह परिहार, उप प्रधान नरेंद्र कोठारी, भाजपा नेता राधेश्याम अग्रवाल आदि मौजूद थे। डग भाजपा मंडल पदाधिकारियों ने तिरंगा यात्रा कस्बे के मुख्य मार्गों से होकर निकाली। देशभक्ति के नारों से ओतप्रोत नारे लगाए गए। यात्रा में जिला महामंत्री दिनेश अग्रवाल, जिला उपाध्यक्ष हरमत सिंह, मंडल अध्यक्ष गोविंद सिंह परिवार सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। झालावाड़ जिले के बकानी पंचायत समिति परिसर में गणतंत्र दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विकास अधिकारी व प्रधान के द्वारा पंचायत समिति परिसर में ध्वजारोहण किया गया। वहीं ग्राम पंचायत मुख्यालय पर सभी सरपंचों और सचिव ने ध्वजारोहण किया। पंचायत समिति के सभी सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। स्कूली छात्रों ने पधारो हमारा देश सहित राजस्थानी व देशभक्ति गानों पर प्रस्तुतियां दी। गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में फिल्म पद्मावती का विरोध भी नजर आया। फिल्म से संबंधित गीत व घूमर पर प्रस्तुतियां नहीं दी गई। वहीं कई प्रतिभावान छात्रों व कर्मचारियों का भी सम्मान किया गया। झालावाड़ जिले के बकानी कस्बे में गणतंत्र दिवस के उपलक्ष पर एक शाम राष्ट्र के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भानपुरा पीठ के युवाचार्य स्वामी ज्ञानानंद जी तीर्थ रहे। ग्राम पंचायत के द्वारा पहली बार राष्ट्रीय पर्व पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कस्बे के सभी निजी व सरकारी स्कूल के बच्चों के द्वारा देशभक्ति व राजस्थानी गीतों पर मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई। कार्यक्रम में छोटी छोटी बच्चियों के द्वारा कन्या भ्रूण हत्या, बेटी बचाओ, तंबाकू निषेध जैसे संदेश दिए गए। कार्यक्रम देर रात तक चला। वहीं कार्यक्रम में कस्बे की 3 सैनिकों को मुख्य अतिथि के द्वारा सम्मानित किया गया। आज की खबरों में बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात और खबरों के साथ। दीजिए इजाजत। नमस्कार।